और अपवित्र अन्न खाने से रामानंद स्वामी के ध्यान भजन की जो बधारा थी वो टूटी। मन अंधसंत विचारों में घूमने लगा, ध्यान नहीं लगता। पूछा के कहां से लाया था अन्न, बोले चमारों को जो 1 रुपए पर 2 आना मतलब 12% पर मंथ, 1 महीने में 12% ब्याज पर जो देता है वो चमारों का मुखिया, उसके घर से अन्न लाया। दूसरों ने तो खा पी के बर्तन मान दिए थे, उसके घर से अन्न लाया। बोले गरीबों का शोषक और अपवित्र व्यक्ति के घर का अन्न देकर तूने मुझे भजन से भ्रष्ट कर दिया। तुझे एक जन्म चमार योनि में सजा भोगने के लिए जाना पड़ेगा। वही अगले जन्म का ब्रह्मचारी दूसरे जन्म में रघु चमार के यहाँ जन्मा है और उसका नाम रहीदास पड़ा। रहीदास की कृपा पाकर मीरा ने मेवाड़ झुमा दिया। संत बीज पलटे नहीं चाहे ऊंच नीच घर अवतरे, संत बीज पलटे नहीं, संत बीज नहीं पलटता, ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत को संत। किसी कारण से नीचे घर में भी आ जाए, नीचे अवस्था में भी आ जाए, लेकिन की हुई भक्ति उसे फिर ऊपर उठा देती। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्त प्रणिशति। भागवत का प्रसंग आता है कि नगर में संत आए थे, उस संत की सेवा नहीं कर पा रहा हूं तो कम से कम एक दासी को ही लगा दूं। दासी कैसी कि जिसकी पक्की नौकरी नहीं है, कोई कहीं भी उसको लगा दे, ऐसी साधारण दासी। दासी उस संत के मंडप की सेवा के लिए झाड़ू बुहारी के लिए रखी गई। उसका 5 साल का बेटा साथ में जाता है। सत्संग के वातावरण में उसे कीर्तन का थोड़ा चस्का लगता है, कथा की बात थोड़ी उसे अच्छी लगने लगी। चतुर्मास कर रहे थे संत, 2, 5, 10 दिन जाते जाते उस बालक को रंग लगा। संतों को एक टक देखता, एक टक सुनता, छोटी उम्र थी लेकिन चंचलता नहीं थी। वही बालक जब संत विदा हो रहे थे तो कहते थे, बाबा जी आपसे अब बिछड़ने की बेला आ रही, मैं अब कहाँ जाऊंगा, मैं आपके साथ चलूंगा बाबा, मैं आपके साथ चलूंगा। बाबा ने उनका नाम रख दिया हरिदास। बाबा ने मंत्र दे दिया, बेटा अभी तेरी माँ है, बाप चले गए, विधवा दासी का पुत्र है और नन्ना है, अभी तू घर में रहकर भजन कर। किया हुआ भजन बेटा तेरा फलेगा फूलेगा, भगवान का भजन व्यर्थ नहीं जाता। संसार की सारी कमाई व्यर्थ हो जाती है मृत्यु के एक झटके में, संसार की दोस्ती एक झगड़े में व्यर्थ हो जाती है। जमाई को जीवन भर दो और एक बार उसको बराबर न दो, या मान न दो, या वस्तु न दो, तो जीवन भर दिया हुआ खड्डे में चला गया। संबंधियों को जीवन भर संभालो, लेकिन एक बार कोई अपमान हो गया या कुछ ऐसा वैसा हो गया, सारे संबंध टूट गए। लेकिन उस परमेश्वर के साथ एक बार संबंध जोड़ दो, फिर हजारों बार तोड़ दो, फिर भी वो टूटता नहीं है, जुड़ता ही चला जाता। सूरदास ने सुना दी भगवान को कि निर्बल जान के मुझे छोड़ जाते हो, लेकिन जाओ सबल तो मैं तुम्हें तभी मानूंगा जब हृदय छुड़ा के जाओ। कैसी है भक्तों की शक्ति, अहम भक्त पराधीनो, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, उधर संत मोहे अति प्यारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं, जहां जहां संत सिधारे, उधर संत मोहे अति प्यारे। बेटा घर बेटा, बेटे का विवल दिल देखकर संतों का हृदय पिघला। बेटा घर में रह, भजन का मां नहीं करने देती। बोले जो भजन में विघ्न डालता है उसकी बुद्धि भगवान घुमा देते, बुद्धि नहीं घुमा देते, अगर नहीं घूमती बुद्धि तो उसके शरीर को ही घुमा देते, दूसरे शरीर में भेज देते। तू भजन का वही
लड़का संतों से तो बिछड़ा, लेकिन संतों के सानिध्य से, जो सत्संग से, जो हरि भक्ति से जुड़ गया था, उससे कैसे बिछड़ सकता है? संतत्व तो उसके हृदय में ही संतों ने डाल दिया था। आप उदास मत होइए, हम आपसे नहीं बिछड़ते। शरीर से तो भले कल ग्वालियर सत्संग में जाएंगे, आपसे शरीर से तो थोड़ा विदा होंगे, लेकिन हमने जो गुरु प्रसाद दिया और आपकी जो श्रद्धा है, जो प्रीति है, हम लोगों का ईश्वर के नाते, जो अखंड के नाते, जो एक अद्वैत के नाते, जो शाश्वत के नाते आपका और हमारा संबंध हुआ है, उसको ग्वालियर की यात्रा तो क्या ब्रह्मांड की यात्रा तोड़ नहीं सकती। ही ऐसा संबंध है, शाश्वत के निमित्त संबंध हुआ है, नित्य के निमित्त संबंध हुआ है, अनंत के निमित्त संबंध हुआ है। अंत वाली यात्राएं क्या तोड़ेगी संबंध को? बैठे हैं मोहन लालवाणी और भानु, एक बार हांगकांग में बैठे आके सत्संग में लग गया थोड़ा सा रंग। अब पूछो तुम कहां रहते हो? अभी तो यहां तुम्हारे सामने आकर बैठे। लालवाणी खड़े हो जाओ, भानु खड़े हो जाओ, अभी तो हांगकांग से आए, हरिओम कर सब। लेकिन एक बार नहीं आए, कई बार आए, और अब थोड़े ही दिनों में सदा के लिए आ जाते हैं। सत्संग तो एक बार सुना, लेकिन आ रहे सदा के लिए, वो सदा वाला संबंध, चाहे यहाँ आ जाओ सदा के लिए, यहाँ अंतर में पहुंच जाओ सदा के लिए, ये शाश्वत का दोस्ती है, शाश्वत के लिए। कौन्ते प्रति जानामि न मे भक्त प्रणिष्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। धन का नाश हो जाता है, पद का नाश हो जाता है, कुर्सी का नाश हो जाता है, दोस्ती का नाश हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज करो तो दुश्मनी का नाश हो जाता है, और लड़ पड़ो तो दोस्ती का नाश हो जाता है, और मर जाओ तो सारी संपदा का नाश हो जाता है। लेकिन मरने के बाद भी भक्ति अभक्त और भगवान का और गुरु तत्व और शिष्य का विनाश नहीं होता है। न मे भक्त प्रणिष्यति कौन्तेय प्रति जाने, ये जान ले। गुरु के कुल में पढ़ते थे ब्रह्म विद्या की बातें, गुरु कहीं बाहर गए, उदम मचाने वाले छोरों ने छोटे गुरु भाई की मजाक मखोल उड़ाई, मजा लिया। एकाएक गुरु आ गए, गुरु का हृदय कैसा होता तो गुरु ही जानते बाबा। ये दोनों कवियों ने, दोनों कलाकारों ने विदाई गीत गाते गाते जब लीला साहब आपका मेरे गुरुदेव का नाम बुरा दिया, मेरा हृदय मेरे हाथों में नहीं रहा, मेरे आंसू मेरे कंट्रोल में नहीं रहे, मेरा दिल मेरे दिल में नहीं रहा, मेरा दिल मेरे पास नहीं रहा, दिल भर आया। आपसे क्या बीती होगी आप जानो, लेकिन मेरे से क्या बीती नहीं जानता हूं। ये राज समझ में तो आता है, लेकिन समझाया नहीं जाता है, यहां शब्द बिचारे पड़ जाते हैं। ये भाववाचक है, शब्दवाचक नहीं, ये अनुभव गम्य है।